सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे। तो फ्रेंड टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो कौन सा है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लॉरियल पैरिस इन्फेलिबल ब्यूटीफुल फाउंडेशन का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जो कि मुझे PR पैकेज में रिसीव हुआ है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको इतनी सी भी अच्छी लगे तो मेक श्योर लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली ये वीडियो। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये मुझे इस तरीके से कार्डबोर्ड में यहाँ पे पैकेजिंग मुझे रिसीव हुई थी, जो कि इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही लग्जीरियस पैकिंग बोलते हैं। ये वो वाली पैकिंग है, मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि एक कार्डबोर्ड के अंदर है। तो इसको ओपन करते हैं, ये देख सकते हैं ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये। फ्रेंड ये देख सकते हैं इसमें सारे शेड्स हैं, जो कि 101, 102 से लेके 108 तक है। सारे इंडियन स्किन टोन के ही परफेक्ट है, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी जो आपसे मैच करता हो आपके स्किन के वो फाउंडेशन चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 8 शेड्स हैं, आप लोगों के साथ इन सभी के स्वैचेस शेयर करने वाली हूँ और आप लोग डिसाइड कीजिएगा कौन सी आपकी स्किन टोन से मैच कर रहा है और वो फाउंडेशन आप चूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। इसकी पैकेजिंग बहुत ही क्यूट सी है, प्लास्टिक में है, ट्रेवल फ्रेंडली है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसकी पैकेजिंग मिल जाएगी। इतना बड़ा आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यानी कि 30 ml का ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ट्रेवल फ्रेंडली है, आप इसको इजिली कहीं भी ले जा सकते हैं, यानी कि कांच में नहीं है ताकि आपको टूटने का डर रहता है। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही क्यूट सी इसकी पैकेजिंग है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से फिनिश देता है। ये फिनिश देता है डैमी मैट, यानी कि पूरी तरीके से आपकी स्किन को मैट नहीं करेगा, डैमी मैट ये लुक देगा। मैं बात करती हूँ कि ये आपकी स्किन पे कितनी देर तक रहने वाला है, तो ये 24 hours तक आपकी स्किन पे रहने वाला है। अब हम बात करते हैं इसका कवरेज। कवरेज ये देता है मीडियम कवरेज देगा, यानी कि ना ज्यादा इतना हाई आएगा ना ज्यादा इतना लो आएगा, यानी कि बहुत ही मीडियम कवरेज आपको ये देगा। और इसका टेक्सचर की बात कर लेते हैं, तो इसका टेक्सचर है एयर लाइट टेक्सचर है, जैसे कि ये सभी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको बता दी ये ऑयल कंट्रोल करता है, यानी कि जिस ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। वैसे तो ऑल स्किन टाइप वालों के लिए भी परफेक्ट है, लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। सारे शेड्स दे रखे हैं वो बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, हर स्किन टोन के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है। ये सबसे बड़ी बात ये वाटरप्रूफ भी है और 24 hours तक आपकी स्किन। लॉरियल पैरिस की तो बात ही अलग है, तो फाउंडेशन तो बहुत ही ऑसम है। वैसे मैं इसके और भी काफी सारे प्रोडक्ट का वीडियो आप लोगों के संग शेयर कर चुकी हूँ, जैसे कि लिपस्टिक का मैंने लास्ट टाइम वीडियो शेयर किया था और लॉरियल पैरिस माइक्रो एसेंस का भी वीडियो मैंने आप लोगों के संग शेयर किया था। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से फेस बना हुआ है, जिसपे टी जोन बना हुआ है, यानी कि जो आपके फेस पे जो ऑयल आता है तो वहां पे इसको ऑयल को नहीं आने के देगा, यानी कि ऑयल फ्री फाउंडेशन है। बहुत अच्छा लगा, जैसे मेरी स्किन ऑयली है तो मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो आप इसको कोई भी यूज कर सकता है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको रेगुलर मेकअप में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट है, यानी कि एयर है। टेक्सचर की बात चली रही है तो ओपन करके भी देख लेते हैं, तो इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका टेक्सचर ना ज्यादा थिक है और ना ज्यादा लिक्विडी है, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है। आप देख सकते हैं इस तरीके से बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है, काफी अच्छे से ये अप्लाई होगा स्पॉन्ज की हेल्प से। मैंने इसको अपने हैंड पे अप्लाई कर लिया है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा हैवी सा कुछ अप्लाई किया। आप लोगों के इसके सारे स्वैचेस शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चूज कर सको। वैसे मैं भी आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चूज करके और इसको अप्लाई करके भी दिखाने वाली हूँ। अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है, काफी अच्छे से ये अप्लाई होगा स्पॉन्ज की हेल्प से। तो चलिए मैं आपको इसके सभी स्वैचेस दिखा देती हूँ, सारे शेड्स दिखा देती हूँ। तो
अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने शेड नंबर 106 चूज किया है, इसको मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ। उससे पहले मैंने अपने फेस पे प्राइमर अप्लाई किया है, उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर क्रीम जो भी आपकी फेवरेट हो वो अप्लाई कर लीजिए। आपको स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले। और इस तरीके से यहाँ पे मैं अब फाउंडेशन अप्लाई करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने फाउंडेशन 106 चूज़ किया है जो कि मेरी स्किन टोन से एक शेड लाइट है। और इस तरीके से आप डॉट डॉट करके इसको पूरे फेस और नेक पे अप्लाई कर लीजिएगा और उसके बाद वेट स्पॉन्ज की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा। बहुत ही स्मूथली ये ब्लेंड हो रहा है, काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी खूबसूरती के साथ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। और उसके बाद फेस और नेक पे आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा और उसके बाद आप देख सकते हैं मैं पूरा मेकअप करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फाउंडेशन बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने अपने फेस पर कुछ ज़्यादा हैवी अप्लाई किया हुआ है। और बस मैंने लिपस्टिक और काजल अप्लाई किया है, हल्का सा मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया है ताकि मैं इस फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर सकूं। वैसे अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं भी लगाते तो भी कोई नहीं। आपको मेरा लिप शेड कैसा लग रहा है ये देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये भी लिप शेड मैंने लॉरियल पैरिस का ही लगाया है जिसमें मेरा शेड है 121 यानी कि आई चूज। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये ऐसे कलर्स होते हैं जो कि हर स्किन टोन पे अच्छे लगते हैं। इसका ऑलरेडी मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने 10 लिप शेड लॉरियल पैरिस के शेयर किए हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो रेगुलर मेकअप के लिए भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं और 24 आवर्स तक ये आपकी स्किन पे स्टे भी रहेगा। मुझे तो ये फाउंडेशन बहुत अच्छा लगा, इसका बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय फ्रेंड्स।